नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे अपने कार्यक्रम द अनुराग हर शो में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं, और इस बार देश और दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना, COVID-19 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस का जो कहर इस समय पूरे देश और दुनिया पर देखा जा रहा है। ऐसा वक्त कभी नहीं आया था, पहली बार ऐसा समय आया है जब देश और दुनिया सब कुछ सहमे हुए हैं, फैक्ट्री रुकी हुई है, सब कुछ थमे हुए ऐसे हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो कल तक बहुत ही अपनायत का शहर था, लेकिन आज उस शहर में डर भय व्याप्त है, और वो शहर है जोधपुर। याद कीजिए जोधपुर की उन गलियों को, जब नई सड़क के चौराहे पर खड़े होते हैं तो एक तरफ लोग मिर्ची बड़े खाते हुए नजर आते हैं, एक तरफ लोग मावे की कचौरी खाते हुए नजर आते हैं। आप उम्मेद चौक जाइए, वहाँ पर एक तरफ ऑटो रिक्शा की कतार लगी खड़ी है, एक तरफ लोग हथाई कर रहे हैं। आप कबूतर के चौक में जाइए, लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आएंगे। आप शहर के किसी भी मोहल्ले में जाइए, बिल्कुल ग्रीन सी सिटी है। अगर आप सुबह जब सूर्य की किरणें इस शहर के ऊपर पड़ती है तब आप नज़र डालें तो नज़र आता है बहुत ही मनोहर दृश्य। एक ऐसा दृश्य नज़र आता है जब चारों तरफ पूरा शहर जो है वो पूरा ब्लू सा नज़र आता है, और रोशनी जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद इस शहर को बड़े तरीके से बनाया है। और आज उस शहर में सब कुछ शांत है, सड़कें सूनी हैं, नई सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब दुकानें बंद हैं, कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आता है। घंटाघर जहाँ पर हर वक्त चहल और पहल नज़र आती थी, जहाँ हर वक्त कुछ न कुछ लोग बेचने के लिए अपने फुटपाथ पर नज़र आते थे, खरीदने के लिए लोगों की कतारें नज़र आती थी, आज वहाँ कुछ नहीं है। जिस रजवाड़ी साफे को पहना पहना कर लोग दिखाते थे कि देखिए कितना शानदार नज़र आया, आपके फेस पर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मीठी सी आवाज़ के साथ वो लोग कहते हुए नज़र आते थे, देखो सा खमा घणी सा, देखो आप लोग तो फूटरो लाग रहे हो ऐसा, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं है। ये शहर है जोधपुर। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर है, लेकिन वहाँ पर अभी न तो ये प्रभाव देखा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर है या नहीं है, और ना ही ये देखा जा रहा है कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत का शहर है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और ना ही ये देखा जा रहा है कि ये उस जोधाणा का शहर है जहाँ की धमक पूरे हिंदुस्तान में नजर आती थी। COVID-19 ने इस पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में 850 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं, COVID-19 से संक्रमित जो पेशेंट हैं, वो जोधपुर में नज़र आ रहे हैं। हम कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जोधपुर जैसा शहर आज बहुत ही संकटकालीन परिस्थितियों में है। कुछ दिन पहले भीलवाड़ा को कहा गया था कि ये वुहान है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा वुहान नहीं है। अगर कोई शहर राजस्थान का वुहान बनने जा रहा है तो वो जोधपुर है। मैं ये भी कहना जा रहा हूं कि जयपुर से ज्यादा खतरनाक हालात जो हैं वो इस समय जोधपुर में नजर आ रहे हैं, और उसका कारण ये है कि जोधपुर में जिस गति से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वो गति बहुत अप्रत्याशित है, बहुत चिंताजनक है। इस समय जोधपुर में मैं अगर बताऊं 27 अप्रैल को जो पेशेंट्स थे वहां पे वो सिर्फ 370 थे, सिर्फ, हालांकि 370 कोई सिर्फ नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं 370 थे, लेकिन आज उसके 10 दिन बाद ये संख्या 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये हालात बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही परेशान करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जिस गति से संख्या बढ़ रही है वो गति बहुत ही परेशान करने वाली है। यहाँ पर शहर का जो मुख्य एरिया है वो सबसे ज़्यादा संकट में आया, और उसका बढ़ने का कारण भी यही है कि जोधपुर जहाँ पे मेन सिटी बसती है, जिसके कारण ये ब्लू सिटी कहलाती है, उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं। जो एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है, मैं उनके नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। जोधपुर का जो एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है नागौरी गेट के अलावा उम्मेद चौक में वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। आप कबूतर के चौक में जाइए वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। आप सोसनी गेट के आसपास जाइए वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। आप नई सड़क के आसपास जाइए वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। बड़लों का चौक है वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। घोड़ों का चौक है वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र सिटी का नहीं है जहां से पेशेंट रोज नहीं आ रहे हो। और तो और इस शहर में रहने वाले BSF के जवानों तक में संक्रमण ने घर कर लिया है। हालांकि ये BSF के जवान दिल्ली में जब ड्यूटी पे तैनात थे वहाँ से संक्रमित हुए, लेकिन जोधपुर में यहाँ आए 30 और लोगों को वहाँ पे ये कोरोना वहाँ पे पॉजिटिव पाया गया। तो ये बहुत चिंताजनक हालात हैं। एक जो बात बार बार जोधपुर के लोग जो कहते हैं, जैसे कि मेरी वहाँ से बात होती है, कि वहाँ जो सैम्पलिंग हो रही है वो उसकी गति कुछ तेज़ होने की ज़रूरत है। एक दूसरा, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखा
रखा गया है वो बहुत चिंताजनक है। क्वारंटीन सेंटर्स को बहुत साफ सुथरा अच्छा और हर व्यक्ति को एक एक कमरा देने की जरूरत है। बहुत कुछ संभव है वहाँ पर करने के लिए और बहुत अभी संभावना है, बहुत काम करने की जरूरत है। मैं 100 सलाम करता हूँ, 1000 सलाम करता हूँ वहाँ के चिकित्सा कर्मियों को, वहाँ के पुलिस कर्मियों को जो इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, लेकिन जोधपुर के लिए ये लड़ाई अभी खत्म होती हुई नज़र नहीं आती है। आने वाले दिनों में फिर हम चर्चा करेंगे जोधपुर की भी और राजस्थान के अन्य शहरों की भी। देखते रहिए मेरा ये चैनल और इसे सब्सक्राइब जरूर करें।